energy of atom or ion in ground state 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मे बी। अब देखो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हर एक एटम की अलग अलग होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हर इंसान, जैसे हम लोग क्या है, इंसान है, हर एक इंसान की शक्ल अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा खुश होता है, कोई दुखी आत्मक होता है, हर एक इंसान की इनकम अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसी तरह से हर एक एटम का या आयंस का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी अलग अलग होती है, और उस एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन है -13.6 जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी होती है हाइड्रोजन लाइक एटम का, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये कहता है कि ये तो एनर्जी दे दिया है, इसकी वैल्यू दे दी है 5 पॉइंट -5 पॉइंट। तो इसमें से पता करना है कि ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है या लिथियम है। तो ये मैं कैसे पता करूँगा, ये मैं पता करूँगा जब मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Z की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ जो टोटल एनर्जी है वो तो दिया हुआ ये वाली चीज़, तो टोटल एनर्जी -5.4 और ये -13.6 जेड स्क्वायर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्राउंड स्टेट में लेना है तो n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से माइनस ने माइनस को और z की वैल्यू आ जाएगी 54.4 और डिवाइडेड बाय 13.6 ये आ जाएगा 4, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो z की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसको 4 टाइम्स कट जाएगा ना, हाँ तो हाँ 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 54.4, तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 कौन सा होता है, हाइड्रोजन हीलियम होता है, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो क्लियर हो गया होगा, चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो कहता है रेडियस ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम 18 पिकोमीटर। अब देखो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा सिस्टम जिसके लिए बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो वैलिड है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं, और वो जो सबसे छोटी वाली रेडियस है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो हम कहता है वो कौन, उसमें एटम्स कौन या आयंस क्या होगा उसके बारे में हमें बताना है। तो अगर एटम्स आयन क्या होगा, अगर रेडियस लिखोगे तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट और यहाँ से एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉन में होता है, बी केयरफुल, किस में होता है, एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। और ये 0.5 आर की वैल्यू होती है और एन स्क्वायर और यहाँ से जेड, यहाँ से एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ये तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये रेडियस है जनरल आर्बिट एंगस्ट्रॉन में है, बी केयरफुल। लेकिन यहाँ पे पिकोमीटर में रेडियस दिया हो, शॉर्टेस्ट रेडियस के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी यार, तो रेडियस देखो शॉर्टेस्ट तभी होगा जब एन की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू 1 होगी तभी तो रेडियस सबसे छोटा होगा भाई, तो रेडियस सबसे छोटा होगा जब एन की वैल्यू 1 होगी। तो रेडियस मिनिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी 18 पिकोमीटर, और ये आ जाएगा पिकोमीटर में कन्वर्ट करें 0.529 और ये जेड और ये एंगस्ट्रॉन में है तो 10 की पावर 10 मीटर, मीटर में हो गया, फिर मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -12, ये समझ में आया, तो 10 की पावर -12 तो ये आ जाएगा 10 की पावर -10 और +12, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5.9/z ये पिकोमीटर। तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 52.9 और 18, तो अप्रॉक्सीमेटली जेड की वैल्यू 3 आ रही है, क्योंकि 2 से ज़्यादा आ रही है, राउंड अप करोगे तो ये तो होगा नहीं, ये उसी का आइसोटोप से, ये होगा नहीं, मतलब डी ऑप्शन सही है।